सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और एक घंटा वाला बटन जरूर दबाइए जिससे आप मेरे आने वाली नई वीडियो को देख सकें। हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों आप बोल रहे थे कि सर कुछ नया लेके आइए, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक न्यू और ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जो आपको 110% पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप एक सेकेंड में किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखा हूँ और यहाँ पे एक कीबोर्ड आ गया है। तो जैसे मैं W प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से अलाउ कर देता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि W नाम से जितनी सारी एप्लीकेशन है सारी की सारी एप्लीकेशन आ गई है। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब चलिए मैं M प्रेस कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि M नाम से जितनी सारी एप्लीकेशन है सारी की सारी एप्लीकेशन आ गई है। और आप देख सकते हैं कि M नाम से जितने कॉन्टैक्ट हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट आ गए हैं। अगर मुझे किसी को कॉल लगाना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉल लगा सकता हूँ। अगर मुझे किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकता हूँ। अब चलिए दोस्तों मैं आपको इसके कुछ सेटिंग के बारे में बता देता हूँ और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको इस कीबोर्ड को छोटा बड़ा करना है तो आपको इसको प्रेस करके रखना है और आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स एंड कॉन्टैक्ट का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से ऐप्स कर देते हैं तो सिर्फ एप्लीकेशन आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर देते हैं तो सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। अगर आप यहाँ से दोनों कर देते हैं तो दोनों आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग दिख रही होगी, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा थीम का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई थीम लगा सकते हैं। अब दोस्तों आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा विजिट ट्रांसपेरेंसी का, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको ट्रांसपेरेंसी कैसी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे कीबोर्ड का थीम चेंज हो चुका है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और आपके स्क्रीन पर कैसे आएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि हट गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, लॉन्च बोर्ड। तो चलिए मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है लॉन्च बोर्ड, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आ गई है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन भी कट हो गई है, ठीक है। अब अगर आप इसको अपने स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो आपको अपने स्क्रीन के खाली जगह पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो चलिए मैं लॉन्ग प्रेस कर देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे चार ऑप्शन मिल गया है, तो आपको विजिट्स पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्च बोर्ड आ गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे चले जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको प्रेस करके रखना है और आप देख सकते हैं कि बाहर आ गया, ठीक है। अब आप इसको छोटा बड़ा कर लीजिए अपने हिसाब से। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।